अनीता उपाध्याय, प्रभा हुले, रमन लाल गंगवाल, नीलम फड़े, विद्या दीपक, सुनील पन्ना, मयंक वनीता। नमस्ते महाराज, नमस्ते। नाम देश सर्व साढ़े साती ढाई आदि सर्व दोष शांतिम कुरुकुरो, तुष्टिम कुरुकुरो, रिद्धिम कुरुकुरो, समृद्धिम कुरुकुरो, आरोग्य संपदाम कुरुकुरो, रीम नमः स्वाम। ओम नमो भयवदो वड्डमान सरसम चक्कम जलतम गच्छे आयसम पायसम जीवा विवादेवा हमेनवा रनिंगिनवा रायनवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतु भूतु रख रख स्वाम। ओम नमो भयवदो वड्डमान सरसम चक्कम जलतम गच्छे आयसम पायसम जीवा विवादेवा हमेनवा रनिंगिनवा रायनवा ओम राम नमो अरियंता नमो ह्रीं नमो सिद्धा नमो ओम नमो आयिर्या नमो ओम नमो वज्जाय नमो ओम रह नमो लोवे सवसावनम सर्वाप मृत्युंजयम कुरुकुरो सर्वापघातम निवारणम कुरुकुरो स्वाहा। आइए अब कुछ चीजें नई सुन लेते हैं आज के आप सभी के कल्याणार्थ, आप सभी के जीवन उद्धारार्थ कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए मंगलदायी है, आप सभी के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा अपने जीवन परिवार के लिए। मनुष्य के जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जो अपने आप को निहारने के लिए, अपने आप को जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत भूमिका अदा करते हैं। जैसे किसान को जो है जून के पूर्व खेती बाड़ी को स्वच्छ क्लीन और पलटी आदि मार करके अनेकों प्रकार के औजार से जो है वह एक मुलायम गादी की तरह बना के रखता है, और जैसे बरसात की बूंदी पड़ती है और उसके अंदर बीज रोपण होते ही फलभूत होती है पृथ्वी, वैसे मनुष्य के जीवन में कुछ योग, कुछ मुहूर्त, कुछ अनुकूलता ऐसी आती है जो जीवन की काया को पलटती है और अनेकों प्रकार जीवन के अंदर ऐसे योग और संयोग आपके जीवन को प्राप्त होता है, जिस योग के माध्यम से महासंयोग की प्राप्ति होती है, योग के माध्यम से महान अनेकों घटनाएं घट जाती है, अनेकों इच्छित और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती और वह योग अनेकों काल से बना हुआ योग है जिसकी जो है मनुष्य की मात्र मात्र जो है विचार करने से, केवल जाप और साधना करने से जो है उसके जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति होती है। तो आपके जीवन के अंदर कुछ साधना और घटित होने के लिए, आपके जीवन के लिए कुछ प्राप्ति के लिए नव साधना लेके आ रहा हूं नवरात्रि के अंदर, और नव साधना और आपके जीवन में कई काम कर जाएगा और कई योग बना देगा, कई जो है बिगड़े हुए कार्य जो है सुधर जाएंगे और कई काम रुके हुए भागने लग जाएंगे। इस बार नवरात्रि के अंदर नव साधना आपको प्रधान करूंगा और कुछ आपसे अपेक्षा भी करूंगा, आप भी कुछ करें। नव साधना में भक्तामृत की साधना किया जाएगा, 48 जो रिद्धि मंत्र है, सिद्धि मंत्र है, समृद्धि मंत्र है, आरोग्य मंत्र है, अनुकूलता बनाने वाले मंत्र है और पाप प्रक्षालन के मंत्र है, 48 मंत्रों को मैं कुछ विशेष आज तक भारत में किसी ने संशोधन नहीं किया, वैसे संशोधन कर करके, मतलब एक एक मंत्र अलग अलग कार्य करते हैं, उस मंत्र की जो एनर्जी है उसको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कैसे प्राप्त हो, और उस नवग्रह अपने जो नवरात्रि के जो हवन कुंड के अंदर उन वस्तु को अर्पण किया जाएगा 48 मंत्र के 48 प्रकार के द्रव्यों को अर्पण करते हुए, और अपने जीवन के अंदर उस भक्तामृत की महान शक्ति को प्राप्त करने के लिए और 48
मिनट तक जो है उसका महान यज्ञ शुरू होगा। 48 की काव्य के 48 वस्तुओं से महान हवन होगा। और इसी प्रकार भगवान पार्श्वनाथ के अनेकानेक मंत्र है, अनेकानेक जो है संकट नाशक जो है शक्तियां है, उसको उन दिनों में दूसरा दिन आह्वान किया जाएगा। और इसी प्रकार नमोकार मंत्र के भेद प्रभेद प्रकार के अनेकों मंत्र जो है जिन शासन में जिन मंत्रों के अंदर पाया जाता है। तो आइए नमोकार मंत्र की भी एक दिन साधना किया जाए। नमोकार मंत्र जो है सर्व पापोपनाशनो, सभी पापों को नाश करता है। इसके अलावा आपके कई ऐसे नमोकार मंत्र से ऐसे कई प्रकार के प्रभेद निकले हैं जिन्हें समृद्धि आरोग्य यश कीर्ति और धन दौलत का अंबा लगाने की ताकत रखने वाले मंत्र भी नमोकार मंत्र के अंदर है। इसी प्रकार एक दिन आपके घर के दिशा को दशा को बदलने के लिए, घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको भगाने के लिए और पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए विशेष वो आपके घर के अंदर जो समस्या है, क्योंकि कई लोगों को ऐसी समस्याएं निर्माण, बाहर रहते हैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, बाहर जाते हैं तो बिल्कुल बिंदास्त जीना जीते हैं, और जैसे घर में आते हैं तो घुटन पैदा होने लग जाता है, मानसिकताएं निर्माण होने लग जाती, मन नहीं लगता है और अनेक प्रकार की विकृतियां और मन के अंदर समस्याएं निर्माण होती। तो आइए आपकी जो घर की नेगेटिव ऊर्जा है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक दिन की साधना करेंगे। इसी प्रकार जो जिन साधना के माध्यम से आपकी जीवन की नैया विकसित होगी, ऐसी माँ सरस्वती की साधना एक दिन होगी। नवरात्रि में एक दिन माँ सरस्वती को याद किया जाता है। नवरात्रियों के अंदर एक साधना ऐसी होती है जिन साधना के माध्यम से बुद्धि विकास को प्राप्त हो जाता है। मैंने अपने जीवन के अंदर एक साल में 4-4, 5-5 हजार लोगों को सरस्वती दीक्षा प्रदान किया। मैंने सरस्वती मंत्र साधना करवाया, उसमें कम से कम 90% लोगों को रिजल्ट जो है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आया। और जो उस 4000 आदमी के बीच में 5 साल के पहले भी करवाया था, आने को समय समय पर मैंने करवाता रहा, आज तक मैंने माँ सरस्वती की मंत्र दीक्षा जो है कल करीब करीब 25,000 लोगों को मैंने प्रदान किया है। नाम सहित लिस्ट सहित है, अभी भी नाम मेरे पास है, और उनके जीवन में किसके जीवन में क्या क्या इफेक्ट हुआ है वो मैं आपको प्रूफ सहित और पहले का उनका रिजल्ट और आज का रिजल्ट के सहित दे सकता हूं। आज उनकी जो बुद्धि, आज का जो उनका जो विकास है, उसके पहले का और आज का भी विकास में जमीन आसमान का अंतर आया है। तो ऐसे माँ सरस्वती की साधना एक दिन रखा जाएगा। और इसके अलावा जो देवी माँ देवी की पद्मावती की एक दिन साधना होगी। नवरात्रि के अंदर माँ देवी को जो पुकारता है, आह्वान करता है, बुलाता है, वो कभी माँ नकारती नहीं है। और जहां देवी का वास हो जाता है, जहां देवी का अनुग्रह और अनुकंपा हो जाता है, उसका जीवन कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता है, उसका जीवन कभी जो है धनहीन हारतहीन और दरिद्र नारायण नहीं हो सकता है। जहां देवी का अनुग्रह और अनुकंपा बरसाता है वहां उसके जीवन विकास को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार एक दिन जो है महायंत्र की साधना। आज तक किसी ने यंत्र की साधना नहीं करवाई, पर इस बार इस नवरात्रि के अंदर आपको यंत्र की साधना कराएंगे। कुछ यंत्र ऐसे हैं जो आपके मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, कुछ यंत्र यह है कि जेल से मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, कुछ यंत्र ऐसे जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, कुछ यंत्र ऐसे हैं जो आपके परमात्मा का दिव्य जो शक्तियां है वो आपके अंदर निहित करने वाला है।
और कुछ यंत्र की ऐसी जैसे दो तीन यंत्र आपको जो संसार के अंदर प्रभावित है, भगवान कलिकुंड पार्श्वनाथ का यंत्र जो आप में अपने आप में एक अमोघ यंत्र है, जिस यंत्र भगवान पार्श्वनाथ का कलिकुंड यंत्र मनुष्य के कैसे भी संकट के पहाड़ अपने सामने खड़ा क्यों ना हो, संकट के पहाड़ आपके जीवन के रोड़े अड़काने में सामने क्यों ना खड़े हो, और भगवान पार्श्वनाथ का कलिकुंड ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ के कलिकुंड यंत्र आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन के लिए अनेकों प्रकार के उपसर्ग, कष्ट, ज्वर आदि देहिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, पारिवारिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां को संकट भेदने में सामर्थ्य बनता है। इसी प्रकार महायंत्र एक है जो अनेकों जिन शासन की देवी देवताएं हैं, 10 दिक्पाल, 32 इंद्र, 64 योगिनियां और अनेक प्रकार की जो है नवग्रह, और इसी प्रकार जो है चतुर्थ यक्ष, चतुर्थ यक्षिणियां और अनावर्त यक्ष आदि से दिव्य देवी देवताओं से संपन्न महायंत्र की साधना होगी। वह यंत्र इस प्रकार है जैसे पानी की तरह वह यंत्र है। पानी में अगर जैसे नींबू निचोड़ दो, शक्कर डाल दो तो शरबत बन जाता है। अगर पानी के अंदर अगर आटा डाल करके रबड़ी बना दो तो रबड़ी बन जाता है, रोटी बनाओ तो रोटी बन जाता है। जैसे उसकी पात्रता है वैसे बदल जाता है। ऐसे एक में यंत्र है, वो महायंत्र है। वो महायंत्र को अगर आप चाहो विद्या के लिए प्रयोग करो तो विद्या प्रदान करता है। वह यंत्र अगर अगर आपके रोग को शांत करने के लिए आप प्रयोग करते हो तो रोग की शांति होती है। और आप वह यंत्र अगर आप अनेक प्रकार के कष्टों को निवारण के लिए अगर प्रयोग करते हो तो कष्टों का निवारण होता है। और आपके मनोवांछित फल के लिए प्रयोग करते हो तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो बंधु ऐसे महायंत्र की एक दिन साधना होगी। इसके अलावा एक दिन जो है ऋषि मंडल की साधना होगी। हमने कई बार ऋषि मंडल की महिमा गाई है, प्रसंग के अनुसार आज भी हम गा देते हैं। आचार्यों का ये लिखा हुआ अनेकों जो है योगायोग से बना हुआ यह ऋषि मंडल यंत्र आप सभी के लिए कल्याणकारी बनाता है। और ऋषि मंडल यंत्र, ऋषि मंडल साधना मैं हमेशा नित्य प्रति जो है जाप आप सभी कराता हूं। आपके कोई जो काम नहीं हो जो ऋषि मंडल से नहीं होता हो तो संभव ही नहीं। कहा है जो मनुष्य अष्टम मासे यावत प्रातः ये पठे सूत्रम जिन बिंब पश्यन्ति, जो मनुष्य 8 महीने तक ऋषि मंडल की साधना करता है भगवान का जिन बिंब का प्रतिमा का दर्शन जो है ललाट में कर लेता है। और कहा है दृष्टे सप्तार्थ बिंबे भवे सप्त के ध्रुवम पदम प्राप्नोति विश्रांति परमानंद संपदाम, जो ऋषि मंडल यंत्र की साधना करता है, ऋषि मंडल की जाप्य करता है, ऋषि मंडल स्तोत्र का पठन करता है, वह अगर परमात्मा का दर्शन होने के बाद 7 भव के अंदर मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार कहा है राज्य भ्रष्टम निजम राज्यम पद भ्रष्टम निजम पदम लक्ष्मी भ्रष्टा निजम लक्ष्मी प्राप्नोति न संशय, जिनके राज भ्रष्ट हो चुके, मंत्री पद से च्युत हो चुका है, अनेक अध्यक्ष आदि पद से जिनको निकाला गया है, निजम राज्य पुनः उसकी राज्य की प्राप्ति होती है। पद भ्रष्टम निजम प्राप्त, जिनकी नौकरी चली चुकी चल गया, जिनकी नौकरी छूट चुकी है, नौकरी से निकाला गया है, जिनको बेरोजगार होकर के महाभारत के अंदर जो नौजवान घूम रहे हैं और बेरोजगार होकर के जिनकी परिस्थितियां विकट में है, ऐसे व्यक्ति को जो है पुनः निजम प्रदम यानी पुनः नौकरी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी भ्रष्टम निजम लक्ष्मी, जो धना
जिनके धनवान थे, करोड़ोंपति, अरबोंपति थे, अब रोड़पति हो चुके, धन की संपदा की बड़ी विकट परिस्थिति घर के अंदर है, ऐसे लोगों की जो है लक्ष्मी प्राप्नोति न संशय, कोई संदेह करने की जरूरत नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, आचार्यों की वाक्य है। और प्रैक्टिकल में मैंने हजारों बार करवाया, काम हुआ है। भार्यते लभितम भार्या, पुत्राते लभितम पुसुतम, धनार्थे लभितम वित्तम नरसमण मात्रतः। का कहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी विवाह की समस्या है, और इसी प्रकार जो है जिनके जीवन के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, समण मात्र इस यंत्र की साधना के समण मात्र से सत्कार की सिद्धि होगी। इस प्रकार की अमोघ वात पित्त कपोत्र नात्र संशया। अगर आपके कहा है भूत प्रेतश्च गृहश्च पिशाच पुद्गल तथा वात पित्त कपोत्र मुंचते नात्र संशया। अगर वात है, पित्त है, कप है, रोग से अगर शरीर जुकड़ा हुआ है, और इस महान ऋषि मंडल यंत्र की जो साधना करता है उसके जीवन में ये तमाम प्रकार के उपद्रव नाश होकर के शरीर स्वस्थ और समृद्ध बनता है। अब करना क्या है आपको, अब ये तो साधना कितनी हो गई, और एक साधना है आपको कराऊंगा। ऐसे टोटल जो है आपके जीवन के अंदर जो नौ प्रकार की साधना होगी, नवरात्रि के अंदर सुबह जो है 7 बजे से लेकर के 8:30 या 9 बजे के बीच तक जो है हवन होगा, और रात को जाप होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा। बीच में दिन भर सा आप लोग जो है कुछ नहीं, सुबह मेरे साथ 1.5 घंटा आपको देना है, और शाम को 1 घंटा देना है, और अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या के समय रहेंगे। तो आइए, ऐसे कौन महानुभाव है जो मेरे साधना के साथ जुड़ेंगे। दो भाग होगा, एक तो जाप्य का भाग, एक पहले सुन लो उसके बाद हैंडराज करिए, एक साधना का भाग। साधना के भाग में आप यहां भी आके कर सकते हैं, और घर के बैठे बैठे ऑनलाइन भी जो है कर सकते हैं। दोनों प्रकार की हमने छूट रखी।